स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कार बटोरने वाले निर्माता पवन तिवारी और निर्देशक जयगम इमाम की बहुचर्चित फिल्म अलीफ 3 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। एक मुस्लिम बच्चे और उसके पिता के भावनात्मक रिश्तों पर बनी ये फिल्म अपनी धार्मिक टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रही। अलीफ एक पिता की अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की महत्वाकांक्षाओं की जद्दोजहद की कहानी है। अपने बेटे को ऊंची तालीम देने के लिए प्रतिबद्ध इस पिता की लड़ाई मजहबी पागलपन से है। मुस्लिम समाज की संकुचित मनोवृत्ति से ये फिल्म है और फिल्म में जया बच्चन की आवाज सूत्रधार के तौर पर सुनाई देगी। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके जयगम इमाम से हम इस बारे में खास बातचीत भी करने वाले हैं। तो एक मुस्लिम बच्चे की ये कहानी है और हमारे साथ जयगम इमाम जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। स्वागत है इमाम जी, साधन इस पर मुझे बुलाने के लिए आभार। इमाम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा ये फिल्म के बारे में, किस तरह से इस फिल्म को बनाने का विचार आपके मन में आया और क्या कुछ कहानी है? अच्छी, बड़ी सिंपल और सीधी कहानी है इस फिल्म की। एक पिता की महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। किस तरह से एक जब आप इंसान ये सोचता है कि पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजें अहमियत रखती है तो उसके सामने किस तरह की समस्या आती है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य ये है और इसको बनाने का मकसद ये है कि लोग इसे देख के समझें, सीखें कि इस जीवन में या भारत जैसे देश में रहने के लिए, एक साथ मिलजुल के रहने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। ये फिल्म का मूल अभिव्यक्ति इस बात से है, फिल्म का सोर, फिल्म का सार ये है कि पढ़ाई किसी भी कीमत पे जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप किसी दूसरे इंसान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक अच्छे माहौल का निर्माण कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। जी, और चूंकि आप पत्रकारिता से रहे हैं, पत्रकारिता की आपने पढ़ाई की है, अचानक से निर्देशन करने का आइडिया कैसे आया? जी देखिए, पत्रकार मैं रहा हूँ, सक्रिय पत्रकार, तकरीबन 7-8 वर्षों तक लगातार मैंने अलग अलग चैनलों में अलग अलग जगहों की सेवाएं दी अपनी। और देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सकारात्मक सिनेमा जो होता है ना, वो सकारात्मक पत्रकारिता का ही परिष्कृत रूप होता है। पत्रकारिता में थोड़ी सी इस तरह की चुनौती कि सिर्फ सच के सिवा या बिल्कुल एक्चुअल के सिवा आप कुछ नहीं दिखा सकते, सिनेमा में थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, अपने विचारों को और विस्तार दे सकते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि एक सुंदर मंच है सिनेमा, चूंकि 20वीं सदी 21वीं सदी में सबसे बड़ी विधा माना जा रहा है, इसको दुनिया को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से सिनेमा अपनी बात कहता है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, इसकी पहुंच ज्यादा है, इसको किसी भी अंधा, गूंगा, काना, लूला, लंगड़ा कोई भी आदमी इसके बारे में सिनेमा समझ सकता है, जो देख नहीं सकता वो सुन सकता है, जो सुन नहीं सकता वो देख सकता है। तो इसकी जो विधा का जो बड़प्पन है, जो विधा का जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज है, उसने मुझे आकर्षित किया अपनी तरफ कि मैं सिनेमा बनाऊं। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाली फिल्म के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए आपका। जयगम इमाम जी, फिल्म निर्देशक, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। साफ तौर पर भावनात्मक रिश्तों पर ये फिल्म बनी है और इस फिल्म में एक बच्चे को, किरदार को, उसका पिता किस तरह से संघर्ष करता है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, ये पूरी जद्दोजहद से इस कहानी दर्शाया गया।